आगर विधानसभा की सभी जनता से, सभी मतदाता बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि सत्य और न्याय के लिए, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर प्रचंड बहुमतों से विजय बनाए। हमारी प्राथमिकता शहर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर रहेगी, जैसे कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, उसी तरह आगे भी विकास करें और जनता के दिलों को जीते। देखिए, आदरणीय मनोहर उठवाल जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। आगर मालवा के विकास में उनका अविस्मरणीय योगदान है। उन्होंने अनेक वचन आगर मालवा की जनता को और भी दिए थे, किंतु असमय जाने के कारण वो उन वचनों को पूरा नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सुपुत्र की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए और पार्टी में सक्रियता को देखते हुए उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है और जिस प्रकार का माहौल आज आगर मालवा में पूरा बना हुआ है आदरणीय मनोहर उठवाल जी को लेकर, उसे ऐसा लगता है कि उनके पुत्र और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय बंटी उठवाल जी भारी मतों से यहाँ पर विजयश्री प्राप्त करेंगे। ये गुटबाजी कांग्रेस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो टिकट मांगे, परंतु टिकट मांगने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लग जाता है। सारे लोग, जितने भी लोग टिकट के दावेदार थे, वो सारे लोग आज बंटी उठवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। बिल्कुल भी कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी विषय ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करने वाला संगठन है। ये गुटबाजी वगैरह तो सब कांग्रेस में दिखती है। अभी आप देखना कितना तमाशा होगा कांग्रेस का।